तो हम सब पढ़ाई करना चाहते हैं कि हम अच्छे से पढ़ाई करें और जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमें याद रहे अच्छे से, ये सब हम चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारा फोकस नहीं बन पाता है, हमारा फोकस नहीं बन पाता है वो पढ़ने के लिए। तो इसी की वजह से आज आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको भी फोकस नहीं बन रहा होगा पढ़ाई करने के लिए, तो आज आप ये वीडियो देख रहे हो। तो अगर आपका भी यही प्रॉब्लम है, फोकस नहीं हो रहा, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखते रहिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर दोगे तो यहाँ पर नुकसान आपका दोस्तों होने वाला है। तो देखिए ऐसा होता है कि जब भी हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो हमारा फोकस लेवल बहुत ही कम होता है, और हमें पता है जिस काम में हमारा फोकस लेवल ज़्यादा होगा वो जो काम होता है वो बहुत ही अच्छे से होता है। वो जो कोई भी काम हो जहाँ पर आपका फोकस लेवल ज़्यादा होगा वो जो काम होता है वो बहुत ही अच्छे से होता है। इसलिए पढ़ाई करने से पहले हमें अपने दिमाग को कुछ इस तरह से रेडी करना होगा, कुछ इस तरह से उसे बनाना होगा, प्रिपेयर करना होगा, ताकि वो पढ़ाई पर 100% फोकस दे सके। तभी जाके क्या होगा, पढ़ाई करोगे वो अच्छे से होगा और अच्छे से याद भी रहेगा। तो जिसके लिए मैं आज आपको दो टिप्स बताने वाला हूँ, अगर आप ये दो टिप्स या फिर उनमें से किसी एक को आप फॉलो करोगे तो आपका जो फोकस लेवल है ये दोस्तों काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। दोस्तों जो कि पहला ट्रिक है वो बहुत ही आसान ट्रिक है, हम सभी तो म्यूजिक सुनते हैं, तो आज हम उसी म्यूजिक को यूज करेंगे अपने फोकस लेवल को इंक्रीज करने के लिए। तो देखिए म्यूजिक में आपको काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट के साउंड सुनाई देगा, तो आप कुछ ऐसा म्यूजिक चूज कीजिए जहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट का साउंड थोड़ा क्लियरली सुनाई देता हो, ठीक है। और वहाँ पर आपको क्या करना होगा, किसी एक इंस्ट्रूमेंट के साउंड को आपको चूज करना होगा। म्यूजिक में तो काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट का साउंड आता है, तो वहाँ पर आपको सिर्फ किसी एक साउंड को चूज करना होगा, किसी एक इंस्ट्रूमेंट के साउंड को आपको चूज करना होगा। चूज करने के बाद आप ये कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ उसी इंस्ट्रूमेंट के साउंड को ही सुनिए, बाकी जो इंस्ट्रूमेंट के साउंड आ रहे हैं, जो भी लिरिक्स आ रहे हैं, उन सबको आप इग्नोर कीजिए। आप सिर्फ अपने चूज किए हुए इंस्ट्रूमेंट के साउंड को सुनिए, और जैसे जैसे आप काफ़ी देर तक अगर आप उसे सुनते हो तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है वो सिर्फ उसी इंस्ट्रूमेंट के आवाज़ पर वो फोकस करेगा। धीरे धीरे जो बाकी सारे जो लिरिक्स है, जो कि म्यूजिक है, वो आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा। आपको सिर्फ वही म्यूजिक सुनाई देगा जिसे आपने चूज किया था, जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे थे। तो धीरे धीरे ये लेवल आपका बढ़ता जाएगा। अगर आप काफ़ी देर तक इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हो तो आपका जो ब्रेन का जो कंसंट्रेशन लेवल है, जो आपका फोकस है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। और अगर आप उसके बाद पढ़ाई करना शुरू करते हो तो आपका ऑलरेडी ब्रेन का जो फोकस लेवल है वो बढ़ चुका है, और आपका ब्रेन जो है ये रेडी हो चुका है पढ़ाई करने के लिए। तो अभी आप पढ़ाई कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आप अच्छे से वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो। तो ये तो एक ट्रिक हो गया, इसे ट्राई करके देखिएगा। और जो सेकेंड ट्रिक है ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान ट्रिक है। आपको एक न्यूज़पेपर लेना है और एक पेंसिल या फिर पेन लेना है। आपको क्या करना होगा, उस न्यूज़पेपर को आपको पूरा पढ़ना है, आपको कुछ टाइम दे करके उस न्यूज़पेपर आपको पूरा पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना होगा, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट मिलेंगे, तो उन सारे अल्फ़ाबेट में से आपको किसी एक अल्फ़ाबेट को चूज करना होगा। मान लेते मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ ए को। अगर मैं ए अल्फ़ाबेट को चूज करता हूँ तो उस न्यूज़पेपर में आपको एक अल्फ़ाबेट बहुत सारे काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा, पढ़ने के साथ साथ उस अल्फ़ाबेट को आपको मार्किंग करना है। आपको यहाँ पर ए बताया है, आप अपने हिसाब से अल्फ़ाबेट चूज कर सकते हो, लेकिन आपको करना क्या है, उसके अंदर जितना भी वो अल्फ़ाबेट होगा सबके ऊपर आपको इस तरह मार्किंग लगाना है। और मार्किंग लगाते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि आपको किसी तरह का भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ना हो, जैसे कि कोई कलिंग बेल का साउंड हो गया, या फिर मोबाइल का साउंड हो गया, या फिर कोई बाहर का साउंड हो गया, ये आपको डिस्टर्बेंस ना करे, या फिर आप अपने आप को डिस्टर्बेंस ना होने दे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जैसे ही आपका पूरा न्यूज़पेपर जैसे आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपका जो ब्रेन है इसका जो कंसंट्रेशन लेवल है काफ़ी हद तक बढ़ चुका होगा, और आपका एक फोकस पॉइंट भी क्रिएट हो चुका होगा, जिसके बाद अगर आप कुछ भी पढ़ाई करते हो तो वो आपको अच्छे से याद रहेगा। तो दोस्तों ये दो ट्रिक मैंने आपको बताया, आप इसे आजमाइए, और कौन सा ट्रिक आपके लिए फ़ायदेमंद होता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो इसके साथ साथ आपको और एक बात भी याद रखना होगा कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ना हो, जैसे कि कोई बाहर का साउंड हो गया। आप हमेशा कोशिश कीजिए कमरे में, बंद कमरे में पढ़ने की कोशिश कीजिए, जहाँ पर आपको बस एक दो किताब रखिए, ज़्यादा किताब का इस्तेमाल ना कीजिए, बस वहाँ पर एक दो किताब रखिए और आप उसे पढ़ना शुरू कीजिए। और यह बात हमेशा याद रखिएगा कि आप जितना टाइम पढ़ रहे हो बस उसे अच्छे से पढ़िए,
और उस टाइम आपको अपना मोबाइल बंद करना होगा, नहीं तो आप पढ़ाई कर रहे होगे और मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आएगा कि भाई आज आप पबजी खेलते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर किसी का मैसेज आएगा, या फिर व्हाट्सएप पर गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया, बस फिर ख़त्म, काम ख़त्म, माइंड जो है डाइवर्ट हो जाएगा उसकी ओर, सब गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, और जो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उससे भी बचिए। और मैंने जो ट्रिक आपको बताया वो आजमाइए और देखिए आपका जो पढ़ाई का लेवल है वो कैसे बढ़ता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपको दोनों ट्रिक में से कौन सा ट्रिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।